मैम रुकिए, गलती से ना आपके पास आ गया, ये ऑर्डर आपकी टेबल का नहीं है, ये किसी और टेबल का ऑर्डर है, मैं फटाफट से चेंज करके ले आता हूँ। नहीं नहीं भैया, हमारा ऑर्डर है ये, आपने हमें दिया है तो हम ही लेंगे ना इसे। देखो भैया ये खाना ना हम झूठा भी कर चुके हैं, तो हमें ये खाने दो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे मैडम आप क्यों झूठ बोल रही हो, ये तो ऑर्डर बिल्कुल अनटच्ड है, जैसा मैं रख के गया था बिल्कुल वैसा ही है, आप मेरे को इसको ले जाने दीजिए। ऐसे कैसे? हाँ आपने ये ऑर्डर हमें पहले दिए तो आप कैसे ले जाएंगे इसको? मैम देखिए आपने ना बटर नूडल्स ऑर्डर करे थे और ये वेज नूडल्स है, मैं आपका ऑर्डर चेंज कर ले आता हूँ ना, आप दो मिनट रुकिए। ये क्या तरीका है भैया, आप हमें ऑर्डर हमारा ऑर्डर हमें दे चुके हैं वापस ले जा रहे हो, अगर वो आपके गेस्ट हैं तो हम भी तो गेस्ट हैं ना। और भैया आपके अंदर सेंस नहीं है क्या, हम आपके कस्टमर हैं और आप एक वेटर हो, मामूली वेटर, तो कम से कम अकल रखो कि कैसे किसी सामने वाले से बात करनी है। मैडम देखिए इन्हें किसी और का ऑर्डर है, अगर मैंने उन्हें नहीं दिया ना तो मेरी जॉब पे बात आ जाएगी, प्लीज़ आप मेरे को उसको ले जाने दीजिए। देखो तुम इसके पैसे मुझसे ना एक्स्ट्रा ले लेना। मैडम देखिए ये बात पैसों की नहीं है। देखिए जो आपका बिल बनता है उससे 1000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगी मैं आपको, अब जाइए आप यहाँ से। मैडम देखिए जो वो गेस्ट है ना वो हमारे बॉस के अच्छे फ्रेंड है, अगर मैंने उनको ये ऑर्डर नहीं दिया तो मेरी जॉब पे बात आ जाएगी, मेरी जॉब भी जा सकती है और मेरी छोटी सी फैमिली है, अगर मेरी जॉब चली गई तो मेरे को दिक्कत होगी, प्लीज़ मैडम मेरे को ले जाने दीजिए ये ऑर्डर। हमें ना आपसे कोई लेना देना नहीं है, और आपकी चाहे जॉब जाए चाहे कुछ भी जाए, और हाँ अगर आपने हमसे ज़्यादा बोला ना तो मैं आपकी खुद जा कर जॉब हटवा दूँगी आपके ऑनर को बोल के, तो अच्छा होगा यहाँ से आप चुपचाप चले जाइए। देखो भैया चाहे जो भी बात हो, ये हमारा ऑर्डर था आपने हमें ला के दिया है तो हम यही नूडल्स खाएंगे, आप अपने उन गेस्ट को बोलिए वो कोई दूसरा चीज़ ले लेंगे। कितनी देर में ला रहे हो भैया ऑर्डर, आएगा कि नहीं आएगा? प्लीज़ समझिए वो ना बहुत देर से वेट कर रहे हैं, और आप 2 मिनट वेट करिए ना, मैं आपका ऑर्डर अभी लेके आता हूँ। ये तो मैं नहीं दूंगी, मैं इसके तुम्हें और बोलूँ तो मैं तुम्हें 2000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम यही खाएंगे, आप जाओ यहाँ से। मैडम देखिए इन्हें किसी और का ऑर्डर है, अगर मैंने उन्हें नहीं दिया ना तो मेरी जॉब पर बात आ जाएगी। चलो मैं इसके ना 4000 रुपये दूंगी तुम्हें और बोलो, तुम उन गेस्ट को जो भी बोल के उनको कोई दूसरा ऑर्डर दे दो उनका। मैडम देखिए ये बात पैसों की नहीं है, ये बात रेपुटेशन की है, अगर मैंने ऑर्डर नहीं दिया तो मेरे पे बात आएगी और पता नहीं उसके बाद मेरे साथ क्या होगा, प्लीज़ आप मेरे को उसको ले जाने दीजिए। तो आपको कितने पैसे चाहिए? हम एक काम करते हैं आपको 6000 रुपये देते हैं, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, और वैसे भी आपकी सैलरी कितनी होगी, मुश्किल से 8 या 10 हज़ार, और हम आपको एक दिन में 6000 रुपये दे रहे हैं, आप तो एक दिन में इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये ऑप्शन बेकार लगेगा। 6000? मैम आप मेरे को पक्का 6000 दोगी ना? अरे हाँ जब बोल दिया तो देंगे ना बेटा, ऐसे नहीं जाएगा, ये देख ला पैसे में दे देती हूँ। ये लो, ठीक है अब प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है मैडम, और सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। क्या मम्मी क्या बेवकूफ इंसान था ये, अच्छा हुआ हमने इसको पैसे का लालच दिया, अब आप फटाफट उठाइए और चले यहाँ से। मम्मा आप चाहे देखो आप ये मुझे पकड़ा है। एक सेकेंड मम्मी ये चेन पक्का सोने की है ना? बेटा एक बार पढ़े यहाँ पे लिखा होता है ना। मम्मी ये चेन तो आर्टिफिशियल है, अब हम क्या करेंगे? मैं हम तो लुट गए, ऊपर से मेरा 6000 रुपये भी गए। ये तो नकली है, ये मुझे अंदर दिखी नहीं ढंग से, मुझे लगा सोने की है। मम्मी अब हम क्या करें? कितना नुकसान हो गया यार, हमें चूना लग गया बेटा, तभी कहते हैं लालच ना हमेशा डुबोती है इंसान को। यार मम्मी अब आप ये सब मत शुरू हो जाओ, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, अब हम किसको बोले जाकर, और वो वेटर, उस वेटर से भी हम 6000 रुपये नहीं मांग सकते। शिट कुछ नहीं करना, क्या करना है, 6000 रुपये गए बस, चल मेरे दिमाग घूम रहा है। ये बकरे भी मेरे जाल में फंस गए, ऐसे कितने मुर्गों को मैंने फंसाया है और उनसे कितने पैसे ऐठे हैं, चेन देख के इनको लगता है कि वो असली है और पैसे देख के पूरी डिश खरीद लेते हैं। ये मुर्गे भी फंसे, चलो कोई और मुर्गा देखता हूँ, आज तो बढ़िया कमाई हुई है।